हेलो दोस्तों, कोई औरत ऑफिस में काम कर रही है और काम करते हुए उसके दिमाग में आता है कि ना जाने मेरा बच्चा इस समय क्या कर रहा होगा। ठीक तो होगा ना? कभी कभी उसे फील होता है कि हाय, मैं कैसी माँ हूँ, ऑफिस की वजह से अपने बच्चे को उतना समय नहीं दे पाती जितना मुझे देना चाहिए। लगता है उसका ऑफिस उसके बच्चे की अपब्रिंगिंग में एक अड़चन बन गया है। आज दुनिया भर की करोड़ों वर्किंग वुमेन इस गिल्ट से सफ़र कर रही हैं। ट्विंकल खन्ना, जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं, कई सालों से किताबें और न्यूज़पेपर कॉलम लिखती आ रही हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक कॉलम में लिखते हुए वर्किंग मॉम गिल्ट को ऐसा बेताल बताया है जो हर वर्किंग मदर के कंधों पर सवार रहता है। देखिए, ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप्स तो कुछ इस तरह से हैं कि आदमी को हमेशा पैसे कमाने से एसोसिएट किया जाता है और औरत को हमेशा घर परिवार का ध्यान रखने से जोड़कर देखा जाता है। आज के नए ज़माने में औरत ने जॉब तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आज भी बच्चों को संभालने की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी औरत की है। इसलिए वैसे तो किसी आदमी के मन में भी आ सकता है कि मैं काम की वजह से अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। इनफैक्ट पीयू रिसर्च के 2013 के सर्वे में 46% वर्किंग फादर्स ने कहा कि हम काम की वजह से अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स कुछ इस तरह से हैं कि वर्किंग मदर्स में ये गिल्ट का रूप ले लेता है और इसी को कहते हैं वर्किंग मॉम गिल्ट। इसी के चलते बहुत सी औरतें अपने करियर को दांव पे लगा देती हैं और पूरा टाइम घर पर रहकर सिर्फ बच्चों का ख्याल रखती हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि वर्किंग मॉम गिल्ट सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। दूसरी तरफ आता है रिग्रेट, इस बात का रिग्रेट कि काश मैंने भी अपना करियर बनाया होता, मेरे भी कुछ सपने थे जो सब खत्म हो गए, और इतना सब पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या हुआ। देखिए, किसी औरत के लिए वर्किंग होने का मतलब हो सकता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, किसी के लिए कुछ सपने, और किसी के लिए ये आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। कल तक वो कहती थी हाय, आई एम श्रुति, आई एम अ लॉयर। आज उससे कोई पूछता है आप क्या काम करती हैं, तो वो सकुचाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं वर्किंग नहीं हूँ, मैं घर पर ही रहती हूँ, मैं एक होम मेकर हूँ। देखिए, अब टीनेज में आने के बाद बच्चे इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, माँ बाप से ज़्यादा दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। अब उस समय उस औरत की उम्र होगी 40-45 और वो अभी भी काम करने के लिए फिट है, लेकिन अब उसे कोई काम नहीं देगा। अंदर ना एक तरह का खालीपन महसूस होने लगता है। देखिए, एक तरफ है वर्किंग मॉम गिल्ट और दूसरी तरफ है रिग्रेट, तो सॉल्यूशन क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसी समस्या को अच्छे से समझेंगे और दोनों ही केस में सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। देखिए, वर्किंग मॉम गिल्ट को समझने के लिए पहले गिल्ट को समझना पड़ेगा। ये सुनने में तो एक बहुत ही नेगेटिव शब्द लगता है, लेकिन दरअसल गिल्ट एक नेचुरल इमोशनल रिस्पॉन्स है। ये हमारे ज़मीर से जुड़ा हुआ होता है। हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस हमें बताती है कि हमसे कुछ गलती हुई है और इस तरह हमें गिल्ट महसूस होता है और हम उस गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इस तरह गिल्ट बहुत ही सोशली रेलेवेंट है, ताकि हम मॉरली बिहेव करें और रिलेशनशिप्स की कदर करें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स को ये सेल्फ कॉन्शियसनेस हो ही ना, कि वो अपने बच्चों को नेगलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह माँ बाप दोनों अपने बच्चों को नेगलेक्ट करते रहते हैं। इस केस में उनको थोड़ा गिल्ट होना ज़रूरी है कि कैसे वो अपने बच्चों को नेगलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, केवल ऐसा भी नहीं है कि वर्किंग पेरेंट्स अपने बच्चों को नेगलेक्ट करते हैं। रेडिट की एक रीसेंट पोस्ट में एक 19 साल के अमेरिकन लड़के ने लिखा, जब उसके पिताजी ड्रग चार्जेस में जेल चले गए और वो केवल 10 साल का था, उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी से उनको 2 बच्चे हुए। उसके बाद से उसके स्टेप डैड और उसकी माँ ने उसको बुरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। सारी फैमिली एक्टिविटीज से उसको बाहर रखा गया। उसने एक रीसेंट किस्सा सुनाया, जब उसकी माँ रेडी हो रही थी, उसने उनसे जाके पूछा आप कहाँ जा रही हैं। उसकी माँ ने साफ मना कर दिया, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और 10 मिनट बाद उसने गाड़ी पार्किंग से निकलने की आवाज़ सुनी, तो वो बाहर गया भाग के। उसने देखा कि उसकी माँ, उसके स्टेप डैड और उसके सिबलिंग्स कहीं जा रहे थे गाड़ी में। उसकी माँ ने उसको ना तो एक्सप्लेन किया कुछ, ना उसको कुछ समझाया, बल्कि एक डिसगस्टिंग सा लुक दे दिया। वो अंदर आके रोने लगा। 10 मिनट बाद उसको मैसेज किया कि हम कहीं नहीं, हम सिर्फ पार्क जा रहे हैं घूमने। कुछ घंटों बाद जब वो बेचारा अकेला खाना खा रहा था, वो लोग वापस आए और उसकी 9 साल की बहन आकर उससे एक्साइटमेंट से बताने लगी कि हम डेव एंड डस्टर रेस्टोरेंट गए थे, हमने मिल्क शेक पिया, हमने मूवी देखी, हमने शॉपिंग करी। उसको लगा कि उसकी माँ अब उसको कुछ अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देगी, और वो चाहता नहीं था कि उसके सिबलिंग्स के सामने ऐसा कुछ हो। तो वो बेचारा अंदर चला गया और उसने कुछ दिनों बाद US आर्मी में एनरोल कर दिया, जिससे वो घर से दूर रह सके। और देखिए, इस केस में तो इस लड़के की माँ वर्किंग वुमेन भी नहीं थी, फिर भी उसको पेरेंटल नेगलेक्ट सहना पड़ा। ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पेरेंट्स नेगलेक्ट करने की बजाय ओवरबेयरिंग हो जाते हैं। पूरे टाइम बच्चों के सिर पे मंडराना, उन्हें टोकना, नैगिंग करना, सिबलिंग्स को कंपेयर करना और बच्चों पे एक्सपेक्टेशंस का बोझ डालना। और ज़रूरी नहीं है ये सब मदर्स भी वर्किंग हो, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंटिंग में एकमात्र फैक्टर ये नहीं होता कि आप बच्चों के साथ कितना समय स्पेंड करते हो। सकता है कि कोई माँ फुल टाइम घर पर रहती हो,
लेकिन फिर भी बच्चों को डिवोटेड अटेंशन ना दे पाती हो, क्योंकि कभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, इन सब में डिस्ट्रैक्टेड रहती हो। और दूसरी तरफ हो सकता है कि कोई वर्किंग वूमेन दिन में सिर्फ कुछ घंटे अपने बच्चों को दे पाती हो, लेकिन वो डिवोटेड अटेंशन और क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हो उनके साथ। उनसे दिन भर क्या करा ये सब पूछना, उनको पढ़ाना, उनको मॉरल एजुकेशन देना और उनको क्लोजनेस फील कराना। इसीलिए पेरेंटिंग को लेकर कॉन्शियस होना गलत नहीं है। अगर आपको लगता है आप अपने बच्चे का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रहे हैं और गिल्टी फील कर रहे हैं, तो ये भी गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे एनालिसिस में कमी होती है। हम किसी ऐसी चीज़ के लिए गिल्टी फील करते हैं जहाँ ज़्यादा फील करने की ज़रूरत नहीं है। जिद्दू कृष्णमूर्ति लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के तौर पर एक ही चीज़ कहते हैं, ऑब्जर्व। चाहे वो आपका अकेलापन हो, रिग्रेट हो, फ्रस्ट्रेशन हो या गिल्ट हो, उसे ऑब्जर्व कीजिए कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, इसकी क्या वजह हो सकती है। कई बार हो सकता है कि बच्चे के दादा दादी या एक वेल ट्रेन्ड नैनी उसका अच्छा खासा ख्याल रख रहे हो, और आप जब काम से वापस आती हो आप भी उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हो, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, बच्चा आपसे खुश है, उसकी लर्निंग, उसकी अपब्रिंगिंग बहुत ही अच्छी चल रही है। लेकिन अब आप अपनी सहेली को मिलती हैं और वो आपको बताती हैं कि वो फुल टाइम घर पर बच्चों का ध्यान रखती हैं। आपने ये सुनकर अपने आप को अननेसेसरी कंपैरिजन में डाल दिया कि ये तो पूरे दिन बच्चों का ख्याल रखती है और मैं तो सिर्फ अपने बच्चे का कुछ ही घंटे ख्याल रख पाती हूँ। ये ऐसे में गिल्ट की कोई खास वजह नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चा आपसे खुश है, उसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने मन में बेवजह की गिल्ट भर लेती हैं। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अच्छी पेरेंटिंग का कोई सेट फार्मूला नहीं होता और परफेक्ट मदर की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती। एक घर पर रहने वाली माँ भी एक अच्छी माँ हो सकती है और एक काम पर जाने वाली माँ भी। किसी वर्किंग मदर के केस में हो सकता है कि वो किसी घर पर रहने वाली माँ को देखकर अफेक्ट हो गई, लेकिन इसका ऑपोजिट भी बहुत देखने को मिलता है। जब कोई घर पर रहने वाली माँ किसी वर्किंग मदर को देखती है तो वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करती है कि इसको देखो अपना करियर बना रही है, पैसे कमा रही है, मैं सिर्फ घर पे अकेली रहती हूँ, बच्चों का ध्यान रखती हूँ, इसकी ज़िंदगी में कितने मज़े हैं। लेकिन इस कंपैरिजन की भी कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि सबका सिनेरियो अलग है। हो सकता है आप अपने आप को जिससे कंपेयर कर रहे हो वो एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करती हूँ, उनको ऑफिस जाने का मन ही ना करता हो और वो मजबूरी में जॉब कर रही हो क्योंकि उनके घर में एक पार्टनर के कमाने से काम नहीं चल रहा, जबकि आपके पार्टनर अच्छा खासा कमाते हैं। जहाँ तक बात आती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, तो ये समझिए किसी औरत के अंदर ये स्किल होना कि अगर मेरा तलाक हो जाए तो भी मैं अपने पैरों पर खड़ी रह सकूं, यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। लेकिन अगर तलाक नहीं होता, शादीशुदा जीवन अच्छा खासा चल रहा है, तो एक फैमिली ना एक यूनिट की तरह होता है। आपके पति निश्चिंत होकर इसीलिए कमा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप परिवार का अच्छे से ध्यान रख सकती हैं और वो ये सोचकर निश्चिंत हैं कि उनके बच्चों की अच्छी परवरिश हो रही है। देखिए, ये एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी की क्रुएलिटी है कि आज जो इंसान पैसे कमाता है उसी को तवज्जो दी जाती है। जो औरत पैसे कमाती है उसे ही वर्किंग वुमेन कहा जाता है, जबकि वर्किंग तो वो भी है जो पूरे दिन घर पर है, वो भी काम ही कर रही है। खाना, कपड़े, बर्तन, ऐसे कितने सारे काम हो जाते हैं और साथ में बच्चों का ध्यान रखना, एक बच्चे को पूरे दिन अटेंड करना, उसके आसपास रहना। किसी का बचपन ही उसके अनकॉन्शियस को और उसकी पर्सनालिटी को शेप करता है। ऐसे में किसी बच्चे को रेज करने से ज़्यादा नोबल क्या हो सकता है। लेकिन आज की सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही हो गया है किसी औरत का पैसे कमाना। एक औरत को अपने करियर परस्यू करने की आज़ादी हो, ये एम्पावरमेंट है। लेकिन आज उस पर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है कि तुम घर के बाहर जाकर काम करोगी तभी एम्पावर्ड हो और तभी तुम्हें फैमिली से इज्जत मिलेगी, ये सब सरासर गलत है। अपनी एक वीडियो में स्टैंड अप कॉमेडियन गौरव कपूर ने इसी टॉपिक पर कहा था कि पहले होम मेकर की कितनी रेस्पेक्ट होती थी, लेकिन आज की डेट में इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है कि तुम्हें साथ में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो देखिए कि प्रेशर दोनों ही तरफ से है। अगर आप वर्किंग मदर हैं तो समाज आपको गिल्ट फील कराएगा कि आपको अपने बच्चों की परवाह नहीं है, और अगर आप घर रहकर अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं तो यही समाज आपको मार्जिनलाइज कर देगा, बोलेगा आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आप एम्पावर्ड नहीं है। दोनों में से किसी भी प्रेशर को लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई औरत किसी फील्ड में, किसी काम में बहुत पैशनेट हो सकती है, जैसे कि फैशन डिज़ाइनर या फिर कमर्शियल पायलट। इसीलिए बात केवल पैसे की नहीं है, हो सकता है वो काम वो दिल से करना चाहती है। जबकि किसी और औरत के लिए हो सकता है ऐसा कोई मेजर इंटरेस्ट ना हो, वो घर पर रहकर बच्चों के साथ खेलने में ही उसको बहुत मज़ा आता हो, या फिर उनका इंटरेस्ट ऐसा है कि वो वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, जैसे कि फ्रीलांसिंग, वेब डिज़ाइनिंग या फिर पेंटर एक्सेट्रा। वर्किंग मदर्स के लिए आजकल मैटरनिटी लीव मिलने लगी है, कई ऑफिसेज में चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है, इवन कई ऑफिसेज ने तो बच्चों को संभालने के लिए क्रेच भी बना दिया है। इवन अलग से भी क्रेच होता है जहाँ पर प्रोफेशनली ट्रेन नैनीज आपके बच्चों का ध्यान रखती हैं, इवन वहाँ CCTVs लगे होते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में कभी भी अपने बच्चे को देख सकते हैं। इवन घर से काम करने के बहुत ऑप्शंस आ गए हैं
और आप अपने लिए एक असिस्टेंट भी रख सकते हैं। कई केसेस में तो बच्चे को संभालने के लिए असिस्टेंट रखा जा सकता है, जैसे कि एक नैनी जो आपके बच्चे को संभाल ले जब आप घर पर काम कर रही हो। तो सभी फैक्टर्स को साथ में रखकर अपने पार्टनर के साथ डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहती हैं और कैसे करना चाहती हैं। ये आपके बच्चे के लिए है और आपके काम को लेकर है, इसीलिए आप पर कोई सोसाइटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये डिसीजन आप दोनों का कंसेंशुअल डिसीजन होना चाहिए। आई होप आज के इस एपिसोड ने आपकी कुछ मदद करी होगी इस प्रॉब्लम से निकलने में। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।